Hello, students, welcome to Himachal Minds, the Tribune, Himachal Pradesh Daily Edition Analysis Video. Today we are going to analyze. The important news articles which are helpful for your coming competitive exams, your GK perspective, and your journal knowledge for the date 4th January 2023, and today is Wednesday. If you are new here watching this video for the very first time, it's a request from our side. Do watch the video till end and subscribe to Himachal Minds YouTube channel. will subscribe channel. Ki like Kijga videos, ko, jo pehle se subscribers will like karen. without any further delay. Let's begin our news articles. If you have the newspaper with me, you can scroll down and mark the important points. And if you don't have the newspaper, you can राइट डाउन योर नोटबुक्स आप नोट कर सकते हैं तो जो पहला न्यूज आर्टिकल है स्टूडेंट वो है आपके सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट का एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की वर्डिक्ट आई है जिसमें फिर से फोर इज टू वन का हमें मत देखने को मिला है आदरणीय न्यायाधीशों का और जो हमारा ये एपेक्स रूलिंग आती है एपेक्स कोर्ट की आपके जीएसटू के परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है क्योंकि संभवता प्रश्न आपके बन सकते हैं और ये प्रश्न आपके मेंस प्रीलिम्स और आपके कोई भी एग्जामिनेशन आगे आने वाले आपके कहीं पर भी कुछ भी इंपॉर्टेंट एग्जाम है विद रिगार्ड्स टू योर पॉलिटी देन द रूलिंग्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट दी एपिक्स कोर्ट बिकम्स वेरी मच अट मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओके तो यहां पर जो कल भी आपने न्यूज़पेपर देखा था कल का एनालिसिस आपने देखा होगा तो नोटबंदी के ऊपर नोट बैन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट फोर इज टू वन कल भी आया था आपने देखा आज भी फोर इज टू वन है और यहां पर जो डिसेंट है जिन आदरणीय न्यायाधीश का डिसेंट आया है उनका डिसेंट आज भी इस वर्डिक्ट में आया है तो दरअसल ये जो वर्डिक्ट आया है स्टूडेंट सुप्रीम कोर्ट का ये आया है आपके स्पीच के ऊपर दरअसल क्या है कि ये मैटर जो है ये रीच्ड सुप्रीम कोर्ट फॉलोइंग अ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट मेड बाय उत्तर प्रदेश एक्स मिनिस्टर आजम खान इन गैंग रेप केस इन 2016 एक तरह की सिमिलर एक डेग्रोगेटरी स्टेटमेंट आई थी टू वुमेन वॉज मेड बाय केरला मिनिस्टर इन 2016 थाउजेंड दैट लेड टू दी लिटिगेशन ठीक है उसके अलावा आप देखते रहते हैं न्यूज चैनल्स में कई पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता हैं वो कुछ ऐसा बयान दे देते हैं जिसकी वजह से क्या है लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचता है आहत पहुंचती है तो उससे क्या होता है कि एक तरह का हेट स्पीच का माहौल हमें देखने को मिलता है हमारे समाज में हमारे सोसाइटी में हमारे देश में तो उसी के ऊपर स्टूडेंट्स ये एक वर्ड थी और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर कोई भी मिनिस्टर कोई स्टेटमेंट देता है या कोई भी प्रवक्ता किसी पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव वो देता है तो वो गवर्नमेंट के ऊपर एंट्रीब्यूट नहीं कर सकते वो सरकार के ऊपर उसका आप टीका टिप्पणी नहीं कर सकते और सरकार का उसका लिंक आप नहीं बना सकते ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है सो द स्टेटमेंट मेड बाय बायिस्टर कान बीब्यूटेड टू द गवर्नमेंट बाय द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी रोल्ड ऑन टूजे जिसमें चार इज टू वन का वर्डिक्ट आया और एक चार जजेस ने तो ये इस पे, इस पे, पे अपना पहलू रखा कि ये स्टेटमेंट मेड बाय मिनिस्टर कैन नॉट बी एंट्रीब्यूटेड टू गवर्नमेंट बट एक ने जज ने डिसेंटिंग जज जो थे उन्होंने बोला कि ये जो और वो जज हैं आपके अदरणी जस्टिस बी वी डिसेंटिंग वर्डिक्ट ऑन डिमोनेटाइजेशन ऑन मंडे ऑल्सो डिफर्ड अगेन एज ऑन सेवरल की इश्यूज विद द मेजोरिटी व्यू उन्होंने कहा कि ये जो आपकी हेट स्पीच होती है इट स्ट्राइक्स द फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन

जो ये वर्डिक्ट आया है उसमें साफ ये कहा है कि जो आपके जस्टिस एस अब्दुल नजीर हैं नो ग्रेटर रिस्ट्रिक्शन कुड बी इम्पोज ऑन फ्री स्पीच ऑफ पब्लिक फंक्शनरीज एज फॉर रिस्ट्रिक्टिंग फ्री स्पीच इन आर्टिकल नाइनटीन टू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर एग्जॉस्टिव यानी वो बिल्कुल सही मायने पे हम संविधान के प्रक्रिया के हिसाब से ही ये यहाँ पर बात रख रहे हैं और जस्टिस नजीर जो हैं वो रिटायर होने वाले हैं वेस्डे में तो आप ध्यान रखिएगा आर्टिकल उन्नीस के क्लॉज वन का ए पार्ट आर्टिकल 19 के क्लॉज का सेकंड पार्ट जो कि वन ए को के बारे में ही अपनी भूमिका बताता है ठीक है तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है so, ये हमारे ने कहा है और जीएसटू के परस्पेक्टिव से आपको कुछ चीजें मैंने बताई कैसे आपको ध्यान रखनी है ठीक है नोटबंदी के केस में भी आपको ध्यान रखना है खैर वो आप जीएस के साथ भी नोटबंदी जोड़ सकते हो बट सरकार का भी उसमें आपको लिंक देखने को मिलता है

कल क्या हुआ कि ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जी के से जो संवाददाता है जो ने ने एक एक इंटरव्यू दिया फॉरेन संवाददाता को और वहां पर उन्होंने उनको बोला कि क्या इंडिया रशिया का एलाई है ये प्रश्न रखा गया द क्वेश्चन वॉज पुट अप टू इन फ्रंट ऑफ जयशंकर सो जयशंकर जी ने बहुत अच्छा आंसर अच्छा 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 दिया और एक डिप्लोमेटिक आंसर अच्छा दिया जो कि आप यहाँ पर सुनिए उन्होंने बोला कि वी आर अ इंडिपेंडेंट कंट्री हम एक स्वतंत्र देश हैं स्वतंत्र देश हैं वी डू नॉट डिफाइन आरसेल्स और प्रसिव आर्सल्स इन अलायंस टर्म्स हम अपने को किसी का अलायंस के नजरिए से नहीं देखते टर्मिनोलॉजी ही इस्तेमाल नहीं करते अपने इस देश में. और ये जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी है और वेस्टर्न टर्मिनोलॉजी है उनका ये शब्द है उसके अलावा पाकिस्तान के ऊपर और रशिया के ऊपर और चाइना के ऊपर भी उन्होंने अपने पक्ष रखे उन्होंने कहा चाइना वायोलेटेड पैक्ट चाइना डिड नॉट ऑब्जर्व एग्रीमेंट्स विद इंडियन ऑन बॉर्डर इशूज दैट वॉज वाई यहाँ पर एक टेंसुएशन हमें देखने को मिल रही है खासकर दी एरियाज़ ऑफ एल ए सी दी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल सो ऑल दी स्टेटमेंट्स गिवन बाय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जी और उन्होंने ये बहुत ही सशक्त तरीके से जवाब दिए उस रिपोर्टर को जो कि हमें सोच रहा था कि वी आर एन अलाय ऑफ रशिया बट वी आर नॉट द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज कैप्टन चौहान सो कैप्टन शिवा चौहान ये पहली महिला बनी है फर्स्ट वुमेन ऑफिसर ऑफ इंडियन आर्मी टू गेट ऑपरेशनली डिप्लॉयड एट सियाचिन ग्लेशियर इट इज दर्ल्ड हाइस्ट बैटल फील्ड और इनकी जो डेप्यूटेशन हुई है इनकी डेप्यूटेशन हुई इनकी पोस्टिंग सॉरी नॉट डेप्यूटेशन इनकी जो पोस्टिंग हुई है वो कुमार पोस्ट में हुई है जिसका

ग्लेशियर uh, पे बिफोर इंडिया लॉन्च ऑपरेशन मेघ दू तीन अप्रिली फोर टू कैप्चर दिस ग्लेशियर सो प्लीज रिमेंबर ऑल दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट और द सियाचिन ग्लेशियर के बारे में अगर आपको बताऊं तो यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो माइनस पच्चीस डिग्री सेल्सियस के पास रहता है यानी यहाँ पर जो खाना की सप्लाई होती है मान लीजिए अगर यहाँ पे आर्मी के जवानों को रियल का जूस दिया जाता है अंडे दिए जाते हैं तो वो पत्थर की तरह सख्त हो जाते हैं तो यू कैन सी हाउ मच डिफिकल्ट

तो ये जो चमयाना रोड पे आपका हॉस्पिटल बन रहा है इसको फॉरेस्ट क्लियरेंस मिल चुकी है और आपने ध्यान रखना है ये जो चम्याना वाले क्षेत्र में जो ये हॉस्पिटल बन रहा है दिस हॉस्पिटल इज नेम्ड एज अटल सुपर स्पेशलिटी मेडिकल इंस्टीट्यूट प्लीज रिमेंबर चमयाना इन शिमला ध्यान रखिएगा एंड दिस एरिया इज Um, uh, um, अगर आप देखें तो ये जो चमियाना की बेल्ट पड़ती है इसके सामने ही आपको देखने को मिलती है शिमला वाटर कैचमेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राइट adjacent टू द व्यू ऑफ चमियाना इज योर शिमला वाटर कैचमेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ वाइल्ड लाइफ और वहाँ पर आपको काफी ज्यादा अलग अलग तरह की स्पीशीज भी देखने को मिलती है काफी ज्यादा अलग अलग फ्लोरा एंड फोना की स्पीशीज भी आपको देखने को मिलती है तो कुछ इस तरह से आप चीजों को रिलेट करके पढ़ सकते हो और जो एक क्लियरेंस मिली है किसके थ्रू मिली है फॉरेंस क्लियरेंस मिली है आपके केंद्र सरकार के क्लाइमेट चेंज से ध्यान रखिएगा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फ़ॉरेस्ट यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फ़ॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज यूफ से और ये क्लियरेंस किसके थ्रू मिलती है स्टूडेंट्स ये क्लियरेंस मिलती है थ्रू फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के थ्रू सो वन वी हैव टाइम इन दी नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स आगे आने वाले समय मेंई विल बी टीचिंग यू अबाउट फॉरस्ट कंजर्वेशन एक्ट टिल्स मूव एंड सी दी नेक्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज आर्टिकल तो विंटर कार्निवल चला है दो से जनवरी तक छाटी का यहां पर प्रस्तुति की गई बाय और बाईजेंड अपने पारंपरिक वेशभूषा में ट्रेडिशनल ड्रेस में सो द अटायर्ड इन ट्रेडिशनल ड्रेस इन मनाली ऑन ट्यूसडे तो मनाली इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल मेनी क्वेश्चन आर आस्ड ओके मनाली जो है आपका इसको ओल्ड नेम क्या है दैट इज नोन एज दाना आगे एंड uh, यहां पर मनालसू नाम की जो है आपकी uh, पर्वत श्रृंखला है वो भी आपको देखने को मिलती है ना और उसके अलावा जो मनाली है यहाँ पर आपका आ, मनु ऋषि यानी मनु आल्य मनु का जो वास था उससे रिलेटेड भी इसको हिस्टोरिकल कंटेक्स में देखा जाता है उसके अलावा स्टूडेंट्स मनाली में आपका हिडिम्बा देवी टेम्पल है और कल आपसे क्वेश्चन पूछा था हिडिम्बा देवी से संबंधित आपने किसी ने भी आंसर नहीं किया सो इट मेक्स मी सैड दैट मेकिंग विडियोज एंड आस्किंग यू एंड यू डोंट इवन कमेंट सम क्वेश्चन देन अच्छा नहीं लगता तो प्लीज डू आंसर इन द कमेंट बॉक्स वट एवर इज आस्ट यहां पर देखने को मिल रहा है

Uh, because many questions in science and technology with regards to him coste are asked in your H S means, even in your allied, even in your competitive exams of Himachal Pradesh. So please always remember. If you have a question the 30th state level Children's science congress was organized by which of the following organization? So it was Him coste Himachal Pradesh Council of Science Technology and Environment, which from time to time. Uh, take many such co uh, congress and many such exhibitions in himachal pradesh with regards to science and technology so iit mandi command is one of the premier institute of indian Inst institute of information technology and one and only of himachal in mandi please remember then we have a news article regarding your non-university so non-university has a uh, uh, you know uh, told the

स्टेट जीडीपी है हिमाचल प्रदेश का उसमें एप्पल का बहुत ही ज्यादा सहयोग है एंड इट इज वर्थ अबाउट फाइव थाउजेंड करोड़ एंड हैज अ साइजेबल कंट्रीब्यूशन प्लीज रिमेंबर दिस नाउ व्हाट इज दिस हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड ये हाई डेंसिटी प्लांटेशन क्या होती है अगर आपसे प्रश्न आ जाए जीएस एग्रीकल्चर में तो हाई डेंसिटी प्लांटिंग रेफर्स टू दी प्लांटिंग ऑफ मोर प्लांट्स पर यूनिट एरिया देन दी कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ प्लांटिंग फॉर प्रोड्यूसिंग हाई रीड ऑफ गुड क्वालिटी फ्रूट यानी जो हाई डेंसिटी प्लांटिंग है यानी एक क्षेत्र मान, मान लेते हैं आपका एक क्षेत्र है एक्सवाईड ले में मान लेते हैं कि कैपेसिटी जो है वो कुछ ही पेड़ों को लगाने की है बट प्रॉपर हॉर्टिकल्चरिस्ट और एग्रीकल्चरिस्ट के मार्गदर्शन से यहाँ पर इस छोटे से क्षेत्र में एक्स वाई जेड क्षेत्र में आप अगर पर यूनिट एरिया मोर प्लांट्स लगा देते हो

नॉट अस तो स्नो फॉरकास्ट बताया गया है जनवरी छह ऑनवर्ड से जिसमें आपको इंपॉर्टेंट अगर बात करें जब भी आप क्लाइमेट पढ़ें तो उसमें वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिम विश्वोक का हमेशा वर्णन किया गया होता है तो so, इस बार भी बोला जा रहा है अप्रोच ऑफ एक पश्चिमी विश्वक यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है जिससे क्या है कि जनवरी सिक्स में हायर एरियाज में स्नोफॉल हो सकता है मिड एंड हाई अल्टीट्यूड थोड़ा बहुत स्नोफॉल देखने को मिलेगा और उसके अलावा जो लो लाइंग एरियाज है वहां पर आपको थोड़ा रेनफॉल देखने को मिल सकता है तो आने वाले समय प्लीज टेक केयर ठंड भी बढ़ रही है आप सभी अच्छे से अपना ध्यान रखें अच्छे से पढ़ाई करें और जो ये एरियाज हैं जहां पर आपका बताया गया है इट इज योर चंबा लाहौल स्पीति किन्नौर है ना द ट्राइबल बेल्ट और द ट्राइबल एरियाज द मेन चीफ ट्राइबल एरियाज ऑफ हिमाचल प्रदेश है ना तो कुछ इस तरह से डायग्राम अगर आप तो ये आपका चंबा है यहाँ से आपका लाहौल स्पीति है और इस तरफ आपका ऐसे किनौर है तो ये आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर ये पूरा आपको व्हाइट देखने को मिलेंगे इनके एंड एरिया जिसमें आपकी कांगड़ा वाली बेल्ट हो जाएगी जो धौलाधार वाली बेल्ट है और जब धौलाधार बेल्ट की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आज एक धौलाधार बेल्ट से इम्पोर्टेंट ग्लेशियर आपका आया है छुंजा ग्लेशियर वेर इज झुंझा ग्लेशियर दरअसल ये पालमपुर छुंजा ग्लेशियर रोपवे का बारे में बताया गया है स्टूडेंट्स ये आपका तेरह किलोमीटर रोपवे प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर आपको पता ही है बोल तो दिया जाता है पर काम को अमली जामा नहीं बनाया जाता तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ये बॉटल नेक्स्ट तो चलते ही रहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में नींव रख दी जाती है काम आगे नहीं बढ़ता हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये है झुंझा ग्लेशियर तो धौलाधार हिल्स की बात हो रही थी चंबा और धर्म चंबा और का, कांगड़ा के बीच में धौलाधार हिल्स की तो लेट मी शो यू दी लोकेशन ऑफ छुंझा ग्लेशियर प्लीज होल्ड ओके स्टूडेंट सो हेर इज द थ्री मैप ऑफ झुंझा ग्लेशियर ये आपकी धौलाधार रेंज आ रही है देखिए खूबसूरत व्हाइट हिल्स धौलाधार और ये धौलाधार के आपका जो ये पासिस हैं जिसमें आपका तालंग पास आता है लगभग घेयर उसके साथ ही आपका झुंझा ग्लेशियर आपको देखने को मिलता है और अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊं झुंझा ग्लेशियर चंद्रभान का टीला भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है जो कि हाफ वे है धर्मशाला और पालमपुर के चंद्रभान तो चंद्रभान जो है आपके वॉरफेयर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक थे कटोच वंश के जो कि गुरिला वॉरफेयर में बहुत माहिर थे और उन्होंने ऊपर जाकर यहाँ पे चंद्रभान का टीला बनाया था तो उनके नाम पर ये बना है तो यहाँ पर आप लोकेशन देख सकते हैं झुंझा ग्लेशियर की और ये आपके खूबसूरत धौलाधार ये देखिए ऊपर यहाँ पर आपका तालंग दल लेक भी आपको देखने को मिल रहा है तो दिस इज द लोकेशन ऑफ योर ग्लेशियर विद दिस विल मूव टू नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल युं तो डीजीपी अच्छा डी और उन्होंने हमें चाइना से संबंधित जो बॉर्डर एरियाज है हिमाचल प्रदेश का वो बताया था तो एक तो आपने कल वाला हडिम्बा वाला भी बताना है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पहला क्वेश्चन तो आपके लिए वो हो जाएगा दूसरा आपने मुझे बताना है कि कल जो डीजीपी साहब ने और कल के न्यूज एनालिसिस में हमने देखा था उसमें वट इज दी Uh, length of border which is शेयर्ड बाय हिमाचल प्रदेश एंड चाइना तो वो आपको मुझे बताना है व्हाट इज दी लेंथ वो बताना है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में तो दो क्वेश्चन आपके लिए हो गए तो मी सी कौन आंसर करता है और कौन अच्छे से पूरा एनालिसिस देखता है वो मुझे पता चल जाएगा फिर ठीक है शर्माइए कामेंट बॉक्स कीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा तो यहां पर डीजीपी साहब कह रहे हैं कि जो कन्विक्शन रेट है वो बढ़ गया है एनडीपीएस में और पॉस्को के केसेज में है ना तो वो जो एनडीपीएस में ट्वेंटी था दो से ये थर्टी सिक्स पॉइंट वन हो गया है में ज इंक्रीज टू फोर्टी परसेंट फ्रॉम थर्टी सेवन पॉइंट थ्री परसेंट अयर अर्लियर हमारे लिए जो यहां पे इंपॉर्टेंट है वो है एनडीपीएस एनडीपीएस क्या है एनडीपीएस है नारकॉटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सबस्टांसिस एक्ट उन्नीस सौ पचासी का द एक्ट रेगुलेट सर्टन ऑपरेशन सच एज मैनुफेक्चर ट्रांसपोर्ट एंड कंजम्प्शन रिलेटेड टू नारकॉटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सबस्टांसिस एज यू नो स्टूडेंट्स दैट ड्रग मैनेस इज वेरी मच गेटिंग इन द एरियाज ऑफ हिमाचल प्रदेश एट ज्वाइनिंग द पंजाब बॉडर एंड दिस शुड एंड दिस एक्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी एक्ट फॉर सच ऑपरेशन लाइक मैनुफैक्चर ट्रांसपोर्ट एंड कंजम्प्शन अगर किसी के पास इसकी नशे के पदार्थों की मात्रा है

उस की, उस drug की, या जिसके पास ये मिले हैं उसकी प्रॉपर्टी सारी जब्त कर ली जाएगी जो कि उसने इनलिसिड ट्रैफिक करके यानी इन ड्रग्स को बेचकर इन नार्कोटिक और साइकोट्रोपिक सब्सटांसिस को बेचकर कमाया है और ऐसी प्रॉपर्टी इकट्ठी की है उसको

उनका भी काफी उसमें रोल रहा और उसके अलावा काफी ज्यादा चीजें बनी रही जो कि ये ड्रग्स से संबंधित है और खासकर मुंबई जैसे क्षेत्र में गुजरात जैसे क्षेत्र में जहां पर ये इतना ज्यादा साइकोट्रॉपिक और बड़े बड़ी खेप जाती हैं तो एनडीपीएस की न्यूजें हमें देखने को मिलती हैं और हिमाचल प्रदेश में भी ये अभिन्न नहीं है क्योंकि हमारा जो एरियाज है बॉर्डर एरियाज है पंजाब के साथ तो ये काफी ज्यादा ट्रैफिकिंग चल रही है ड्रग ट्रैफिकिंग चल रही है उसके अलावा पॉस्को के बारे में बात कर लें तो चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज लॉज इन इंडिया हैविनटेड एज अ पार्ट ऑफ चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसीज तो बच्चों के प्रोटेक्शन पॉलिसीज़ के लिए संबंधित आपका पॉस्को एक्ट है जो कि फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस 2011 रिगार्डिंग चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज तो ये आपका एक बिल आया था 2011 में और इसके ऊपर जो कानून बना ये बना आपका 22 मई 2012 को और समय समय पर इसमें अमेंडमेंट होते रहते हैं एनडीपीएस में भी जैसे 2021 में एनडीपीएस बिल आपका अमेंडमेंट बिल आया और पॉस्को में भी अमेंडमेंट बिल आपके समय समय पर आते रहते हैं तो ध्यान रखिएगा एनडीपीएस नाइनटीन एंड पॉस्को ऑफ योर 2012 प्लीज रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स इज आर इंपॉर्टेंट देन विल मूव टू दी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल देखते हैं पे तो ओपिनियन ओपेड में मैंने आपको बोला था इस बार ऑडिटोरियल में इतना इंपॉर्टेंट नहीं आया तो स्टूडेंट्स यूक्रेन और रशिया का युद्ध जो है वो विराम के तौर पर तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है जिससे काफी ज्यादा आर्थिक मंदी और प्राइस हाइक और इन्फ्लेशन बढ़ती ही जा रही है देखने को मिल रही है तो यहां पर फिर बोला गया है कि रशिया इज प्रिपेयरिंग टू स्टेप अप अटैक्स ऑन यूक्रेन यूजिंग इराियन मेड एक्सप्लोरिंग ड्रोन अकॉर्डिंग टू यूक्रेन प्रेसिडेंट है ना तो ये तो इस पर तो हमारी नजर बनी हुई है रशिया और यूक्रेन पे तो आप सबको पता ही है दिस इज कॉजिंग अवॉक इन द इंटरनेशनल एरीना नॉट ओनली देर बट ऑन द इकोनमी एज वेल अब यहां पर देखिए स्वीडन बैंक करपसी की ही आप बात ले लीजिए इट इज़ हाईस्ट सिंस टू थाउजेंड टेन थर्टीन देखिए जहाँ स्वीडन जिस जो कि इंडेक्सेज में कितना हाई रहता है चाहे वो कोई भी इंडेक्स आप ले लीजिए करप्शन में देखिए उसमें काफी अच्छा रहता है मीडिया की फ्रीडम में देखिए कितना अच्छा रहता है मतलब स्वीडन में एक तरह से आप देख रहे हैं एक यूरोपियन कंट्री है जहाँ पे इंडेक्स में काफी अच्छा वो परफॉर्म करता है कोई भी आप इंडेक्स ले लीजिए बट ये जो हम यूक्रेन रशिया का देख रहे हैं इसका इम्पैक्ट देखिए किस तरह से पड़ा है कि यहां पर रशिया यूक्रेन वॉर से एक्सलेशन से आ, क्या हुआ है कि आ, एक्सिलेटिंग रेट ऑफ इन्फ्लेशन देखने को मिल रही है हाई इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस देखने को मिल रहे हैं जिससे स्वीडन रोज टू दी हाइएस्ट लेवल इन अ इनकेट एक पूरे दशक में सबसे ज्यादा इसमें बैंक करप्सी यानी एक तरह से जो कंगाली की स्थिति है वो बैंक करप्सी देखने को मिल रही है स्वीडन वाले स्वीडन जैसे एक यूरोपीय सशक्त देश में उसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पर बताया गया है कंजर्वेशन जोन बनाए गए हैं डॉल्फिन के लिए इन कैंबोडिया तो में तो कम्बोडियन प्राइम मिनिस्टर कौन है हुन सेन है ठीक है ध्यान रखना है आपने जहां पे मिकोंग रिवर है ध्यान रखना है मिकॉन्ग रिवर इज

प्राइम मिनिस्टर द्वारा यहाँ पर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है वो आपके एल के ऊपर है एल क्या होता है आपका एक लिक्विफाइड नेचुरल गैस रहती है तो ये जर्मनी में फर्स्ट यूएस टैंकर पहुंचा है एलएनजी लेकर अब ये देखिए जर्मनी में पहुंचा है एलएनजी लेकर यूएस से तो अपनी जो है ढाक जमा रहा है यूएसए और इससे क्या है रशिया और भी ज्यादा आग बबूला होता है और रशिया इसी कारण फिर यूक्रेन पे अपना सारा गुस्सा निकालता है एक तरह से थर्ड फ्रंट पर अमेरिका भी गेम खेल रहा है रशिया के साथ हम बोल सकते हैं कि यूक्रेन के कंधे के ऊपर दो सुपर पावर्स तो, तो चला रही हैं तो ये सारी चीजें छुपी नहीं है आप सब भी स्टूडेंट्स समझ रहे हैं ये पॉलिटिकल सिनेरियो क्या चल रहा है इंटरनेशनल रिलेशन में उसके अलावा स्टूडेंट्स जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट वो है ये है कि इसराइल फार इसराइल के फार राइट मिनिस्टर जो हैं अभी रिसेंटली उन्होंने विजिट किया आपका डोम ऑफ रॉक इन जनौर जेरूसलेम तो जेरूसलेम में आप सब जानते हैं फिलिस्तीन और इसराइलियों का बहुत सालों से एक विवादित क्षेत्र रहा है है ना तो यहां पर जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो है डोम ऑफ रॉक तो यहां पर मोहम्मद जो है सतहे फलस्तीन फलस्तिन प्राइम मिनिस्टर उनको ये बिल्कुल भी चीज पसंद नहीं है कि इसराइल के फार राइट मिनिस्टर जो है नेशन के सिक्योरिटी मिनिस्टर इतम और बिन गवीर वो वहां पर गए और अल अस्का मॉस्क्यू कंपाउंड में जेरूसलेम में पहुंचे तो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया तो ये जो डोम ऑफ रॉक है इसके बारे में आप जान लीजिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपसे संभवता प्रश्न पूछा जा सकता है ये डोम ऑफ़ पहले तो दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट सर्वाइविंग इस्लामिक आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलता है इट इज सर्वाइविंग वर्ल्ड सर्वाइविंग वर्क ऑफ इस्लामिक आर्किटेक्चर उसके अलावा The Dome of Rock is an Islamic shrine located on डोम ऑफ रॉक इज एन इस्लामिक city लोकेटेड ऑन द site माउंट इन to ओल्ड सिटी ऑफ Al अल शरीफ और दी अल Al Aqsa कंपाउंड ध्यान रखिएगा प्लीज remember दिस उसके बाद इकोनॉमी वाले उसमें आ जाते हैं तो इकोनॉमी में भी, भी आपको कुछ चीजें आज पढ़ने को मिलेंगी लाइक विंडफॉल टैक्स क्या होता है और पब्लिक जो शेयर सेक्टर अंडरटेकिंग होती है उसमें मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग क्या होती है तो गवर्नमेंट ने जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है उसमें पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉम्स को exempt कर दिया है जिट के, के थ्रू उन्होंने निकाला है दरअसल जो गवर्नमेंट है हमारी उसका एल और गवर्नमेंट का जो आईडीबीआई बैंक में है लगभग द गवर्नमेंट एंड एल आई सी टूगे एल आई सी की वो आई डी बी आई बैंक में है तो लगभग आई डी बी आई बैंक जो है गवर्नमेंट एंड एल आई सी एक तरह से बताऊँ करेक्ट आंकड़ा बताऊं अगर आपसे आप प्रश्न आ जाए की गवर्नमेंट और एल आई सी कितना होल्ड करती है आई डी बी आई बैंक का नाइनटी फोर पॉइंट सेवन गवर्नमेंट सोच रही है और एल सोच रही है कि वो के ये बैंक के जो स्टेक हैं वो आगे चलकर बिड्स करे और उसको बेचे तो इसके क्या है कि जो इससे मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म है उस पर इस आई बैंक के संबंध में इन्होंने एक अंडरटेकिंग जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उस पर इन्होंने यह रियायत दे दी है कि 25 फाइव परसेंट पब्बिक फ्लोट ऑन लिस्टेड कंपनीज आपको देखने को मिलेगा स्पुलेट करने को मिलेगा तो ये मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग्स क्या होती है इस पर संभवता आपको प्रश्न आ सकता है तो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग्स होती है स्टूडेंट्स इसको फ्री फ्लोट भी कहते हैं ये रिक्वायर करता है लिस्टेड कंपनीज इंडिया टू इन्श्योर दैट एटलीस्ट ट्वेंटी ऑफ द इक्विटी शेयर आर हेल्ड बाय नॉन प्रोमोटर्स दैट इज पब्लिक शेयर होल्डर्स कुड भी इंडिविजुअल और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड दे नॉर्मली बाय शेयर थ्रू पब्लिक ऑफर और सेकेंडरी मार्केट आईपीओ के थ्रू है ना इन ऑर्डर टू ब्रिंग मोर ट्रांसपेरेंसी इन वर्किंग ऑफ लिस्टेड कंपनीज ये कंपनी ऑफ मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग वॉज इंट्रोड्यूस किसके द्वारा केस में सीबी के द्वारा है ना सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया दिक्योरिटी रेगुलशन रूल टू इंसिस्ट इन ऑन दी ट्वेंटी फ्लोट फॉर प्राइवेट सेक्टर कंपनीज ओके द एवरेज प्रमोटर होल्डिंग इन इंडिया इज अमंग हाइस्ट ग्लोबली ध्यान रखना ये सारी चीजों का पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग फॉर पी एस यूज फॉर दी मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग्स यानी एमपीएस जिसको हम कहते हैं उसके बाद जो स्टूडेंट्स इम्पॉर्टेंट है वो है विंडफॉल टैक्स ऑन क्रूड ऑयल और ये एक तरह से फिर बढ़ गया है तो ये विंडफॉल टैक्स क्या होता है दरअसल जो विंडफॉल टैक्स होता है आपका एक अनर्न अन आर्टिसिपेटेड अनएंटिसिपेटेड गेन इन इनकम थ्रू नो एडिशनल एफर्ट और एक्सपेंस होता है यानी कोई भी एंटिटी है सरकार की मान लीजिए ओ एन जी सी है तो ओ एन जी सी के ऊपर एक तरह से जो सरकार है आ, क्या कर सकती है कि उसने इंक्रीज उस कर सकती है किसी भी टैक्स को और वन टैक्स रेट्रोस्पेक्टिवली ओवर एंड अबव नॉर्मल रेट्स ऑफ टैक्स ऑन सच प्रॉफिट्स विच इज कॉल्ड एज योर फॉल टैक्स